सो है व्हाट्सअप पीपल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। थोड़ी सी मतलब देख रहे हो कि बॉडी वगैरह थोड़ी सी लो हो गई है, तो अब फाइनली चलते हैं लगभग 1.5 महीने बाद जिम और करते हैं अपने वर्कआउट की शुरुआत और करते हैं एक चैलेंज अपने आप को कि ट्रांसफॉर्मेशन इस बार तगड़े वाला आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी जो जो मैं करूँगा। और मे बी फॉलो करना होगा डाइट को तो फॉलो कर लेना। कर रहा हूँ यार, दर्द तो होना ही शरीर में, तो स्टार्टिंग करते हैं मिक्स वर्कआउट से। तो टिल द गाइस, अब चलते हैं जिम। अरे तुषार भाई हैं हमारे स्टार, इनके यहाँ से खाएंगे केला। ये हमारे प्रशांत भाई हैं, इनका भी चैनल है। तो भाई ये रास्ता जाता है हमारा नए चौराहे से, आप अंदर की तरफ आओगे तहसील रास्ते पे हमारा जिम है और काफ़ी अच्छी मार्केट है हमारी। और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने किराकत के बारे में आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। ये हमारा थाना, कोई भी कांड वांड करोगे तो इसके अंदर ही आना पड़ेगा। मार्केट बहुत अच्छी है। और भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, बोले कि भाई चलो हम भी चलेंगे जिम। हमने बोला बिल्कुल चलिए जिम। ये रास्ता हमारा जाता है, जब हम बचपन में पढ़ते थे ये हमारी स्कूल का रास्ता है। ये हमारी काली मंदिर, जय माँ काली। ये अपना भाई सारे देख लो, मतलब सारे लड़के वर्कआउट करने लगे। काफ़ी दिन बाद जिम में आया तो थोड़ा माहौल, थोड़ी देर बैठ के तो पहले माहौल बनाएंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। की शुरुआत हो चुकी है, बैक की एक्सरसाइज चल रही है, लो वेट के साथ है और काफ़ी मतलब मज़ा सा आ रहा है, काफ़ी दिन बाद मार रहा हूँ। और ठीक चलते हैं, दूसरी वर्कआउट करते हैं। सो भाई अभी बैक से स्टार्टिंग किया है, मिक्स वर्कआउट है और अभी भी थक गया क्योंकि ये लगभग 1.5 महीने बाद स्टार्टिंग हो रही है, तो दैट्स वाई कि मतलब थोड़ा सा वेट वगैरह हिला दे रहा है शरीर बहुत ज़्यादा, मतलब भयंकर ये। इसको हमने 40 पे सेट किया है क्योंकि बहुत दिन बाद मार रहा हूँ, तो हैवी वेट मारने का भी चक्कर ही नहीं है भयंकर। अभी लास्ट टाइम तोड़ फूट जाए तो प्रॉब्लम्स ही हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मैं सेम एक्सरसाइज कर रहा था 1-1.5 महीने पहले, तो ये रॉड, इसका जो वायर है केबल, ये टूट गया था और मैं पीछे धड़ाम से गिरा था। ये नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, मेरी तो फटके चार हो गई थी। एक एक्सरसाइज की मेरे बैक पुली की लगभग 3 सेट पूरे हो चुके हैं, अब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो भाई अब आ चुके हैं अपने चेस्ट की वर्कआउट पे और आप देख सकते हो मतलब लाइट वेट के साथ कुछ रैप निकालूंगा, फिर थोड़ी सी मतलब थकान सी हो जाती है, मन सा नहीं करता है चेस्ट मारने का, लेकिन मारना तो ज़रूरी है। इस साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डम्बल प्रेस शोल्डर की वर्कआउट है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये भी ज़रूरी ही है भाई। तो भाई अब आ चुके हैं अपने बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जो वन ऑफ द माई फेवरेट वर्कआउट है, उसको करते हैं फिर घर चलते हैं घर। तो भाई जब ये वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे सिर में हल्का हल्का सा दर्द और थोड़े थोड़े चक्कर आने लगे थे, तो अब मैं इस वर्कआउट को यहीं पे छोड़ता हूँ, ट्राइसेप के वर्कआउट मैं बाद में करूँ। तो भाई निकल चुके हैं, वर्कआउट वगैरह हो गया कम क्योंकि प्रॉब्लम सी हो गई थी, थोड़े चक्कर से आने लगे। तो भाई जिम से आ चुके हैं, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, तो अब थोड़ा सा डाइट वगैरह का लेते हैं, अपना दूध वगैरह पीते हैं क्योंकि नेचुरल डाइट ही रखनी है मुझे। करते थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो गई थी बहुत टाइम बाद, तो भाई अब चल रहे हैं अपना कुछ खा लेते हैं। तो भाई जिम के बाद हमने लिया एक सेब, अब मेरे पास है इसमें आप देख सकते हो 2 केले, अखरोट, बादाम और ओट्स, और दूध हो रहा है इधर गर्म, दोनों को मिला के खाया जाएगा। तो भाई दूध हो चुका है गर्म और ओट्स को डालते हैं दूध के अंदर, अपने हिसाब से आप लोग लेना होगा अपने हिसाब से ले लेना। यहाँ पे मैं आप इसको एक कटोरी डालता हूँ जो कि लगभग 50 ग्राम के आसपास होगा, दिखने में वीडियो थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, सो थोड़ा सा और ही डाल देते हैं, भूख सी ज़्यादा ही लगी हुई है, इसको साइड में रख दिया। अब हम इसको यहाँ से लेंगे इतने अपने, तो भाई स्पून लेके थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे जिससे थोड़ा ये एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं अपने एप्पल्स एंड बनाना, और उसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें कुछ पीसेस हम बादाम के डालेंगे और कुछ पीसेस हम इसमें अखरोट के डालेंगे, थोड़ा सा क्रंच कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। और आप देख सकते हो मतलब कितना टेस्टी सा लग रहा है। तो अब ये रेडी हो चुका है, अब इसको रूम में चलेंगे, आराम से बैठ के इसका टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कैसा लगता है ये खाने में। तो भाई थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा स्वाद आ जाएगा मिक्स करने के बाद, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, स्वाद सा आएगा, थोड़ा गर्म है अभी।
भाई स्वाद खाया ना, सबके फ्लेवर मिल रहे हैं। और देखो हेल्दी भी है, नेचुरल भी है, और बॉडी को भी मतलब अच्छा ही देगा फ़ायदा, और टेस्ट भी है। मुझे लगा कि मतलब शायद ड्राई ड्राई लगेगा, लेकिन हाँ एप्पल का भी मतलब फ्लेवर आ रहा है, बनाना का भी आ रहा है, बादाम का भी है, और अखरोट का भी है, एंड ओट्स का भी है। सो ऑल मिक्सर है, एंड टेस्ट भी है अच्छा। देखो अच्छी टेस्ट है, एक बार खाता हूँ मैं, थोड़ा सा मिक्स कर लो ऐसे ना।